गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज हम लोग हिंदी से बसंत से चैप्टर 9 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कबीर की साखियाँ। इसके कवि हैं कबीर, ठीक है। कबीर की साखियाँ आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कबीर की साखियों के बारे में। जीवन परिचय, कबीर का जो है जीवन परिचय यहाँ इस प्रकार है। देखिए, निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में प्रमुख कबीर का जन्म सन 1998 ईस्वी में काशी यानी बनारस में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। अनपढ़ कबीर के गुरु रामानंद थे, जिनसे उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुई, ठीक है। चलिए, कविता का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियाँ में कवि ने स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है। इन साखियों में ज्ञान की महिमा, आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयम पूर्ण व्यवहार करने, मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया गया है। इस कविता से कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। म्यान, इसमें तलवार रखी जाती है। ज्ञान, जानकारी या ज्ञान की बातें। आवत, आते हुए। उलटत, उल्टा उलटना पलटना या कहना। फिरे, घूमना। माही, में। मनवा, मन। घास, तिनका। निंदिए, निंदा करना। पाऊं, पैर। तली, नीचे। उड़ी, उड़कर। खड़ी, खरी, पीड़ा या कष्ट। जग, संसार। वैरी, शत्रु या दुश्मन। शीतल, ठंडा। कोई, कोई भी। अब जो है इसमें कविता इस प्रकार है, उसका व्याख्या मैं आप लोग को बता दूंगी ताकि अच्छे से आप जो है इन साखियों को समझ सकें। यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ ली जो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास क्या कह रहे हैं कि मनुष्य से मनुष्य की जाति नहीं पूछना चाहिए। उसके जात जो है पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर पूछना ही है तो उसके ज्ञान को पूछो। ज्ञान को पूछने पर जो है यहाँ पर कबीर बल दे रहे हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परारहन दो म्यान। कबीरदास मनुष्य से यहाँ क्या कह रहे हैं कि जाति के को महत्व न दो, जात पात को महत्व न दो, अगर महत्व देना ही है तो ज्ञान को महत्व दो। ज्ञान को महत्व दो, क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही जो है सब कुछ संभव है, सब कुछ जो है मनुष्य के लिए जो है उसके मुक्ति का मार्ग हो सकता है। लेकिन जात पात से कुछ नहीं होता, मनुष्य को कभी भी साधु का जात नहीं पूछना चाहिए, साधु के विषय में जानने की इच्छा ही नहीं होना चाहिए। अगर पूछना ही है तो उसके ज्ञान को पूछिए, उसके ज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए। और को जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साधु के ज्ञान को जानिए, साधु के ज्ञान की बातों को ध्यान से सुनिए वे। और यहाँ पर कबीर क्या कह रहे हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ म्यान को जो है आप महत्व मत दीजिए, देना ही है तो तलवार का मोल कीजिए। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव करने से क्यों मना कर रहे हैं कि म्यान का मोल भाव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुमको मोल भाव करना ही है तो तलवार का मोल करो, क्योंकि मनुष्य को तलवार जो है वो उससे काम लेना होता है, म्यान से कोई काम नहीं लेता है। म्यान तो हमेशा जो है तलवार रखने के लिए ही होती है। अगर हम जो है तलवार को प्रयोग करते हैं म्यान का नहीं, तो अगर हमें काम लेना है तो तलवार का से हम काम लेते हैं। तो महत्व किसका होना चाहिए, तलवार का होना चाहिए, ना कि म्यान का होना चाहिए। तो यहाँ जो है
इसके माध्यम से कबीरदास क्या समझा रहे हैं कि साधु की जात नहीं पूछना चाहिए, उसके जात से क्या लेना देना है। अगर जानना ही चाहते हो, कुछ समझना ही चाहते हो, तो उससे ज्ञान की बातें करो, उससे उसके ज्ञान को जानो, उससे जो है उसकी जात मत पूछो, ठीक है। अब इस प्रकार जो है यहाँ पर और जो है दूसरा है, आवत गारी एक है उलट होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए रही एक की एक। कबीर यहाँ क्या कह रहे हैं, कबीर जो है कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो उसके गाली का आप जवाब मत दीजिए। यहाँ जो है उस गाली को जो है कबीर क्या बोल रहे हैं कि उस गाली का आप जवाब मत दीजिए। किन क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गाली सुनने वाला जो है अगर चुप रह जाएगा तो वो गाली जो है उल्टा जो है उसके ऊपर लग जाएगा, उसी को जो है उसकी बात तुरंत जो है वापस हो जाएगी। इसलिए उसकी गाली का आप जवाब मत दीजिए, क्योंकि जब वो गाली देगा तो गाली एक ही रहेगी, लेकिन अगर उल्टा आप उसको जो है पलट करके उस कहते हैं, उसके गाली का जवाब देते हैं, तो वो जो है और बढ़ती जाएगी। और उसको कम करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तो वहीं जो है आप चुप रहिए, उसकी बातों पर जो है ध्यान मत दीजिए। वह तो एक गाली के स्थान पर जो क्या हो जाएगा, चार छः गालियाँ और जो हैं बढ़ जाएंगी। यहाँ जो है कबीर इसलिए कह रहे हैं आवत गारी एक है, गारी एक ही आता है, अगर हम उल्टा अगर बोलेंगे तो वो अनेक हो जाएगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। कह कबीर नहीं उल्टे रही एक की एक, कबीर क्या कह रहे हैं कि आप उल्टा मत जो है उसका जवाब दीजिए, उस उल्टा कुछ मत कहिए, तो वो एक ही रह जाएगी, वो जो है बढ़ेगी नहीं। यहाँ जो है उनके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं तो उस बुराई को जो है वहीं पर जो है छोड़ देना चाहिए, उसको अपनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनाएंगे तो वो बुराई जो है बढ़ते बढ़ते जो है आकार रूप ले लेगी, अनेक जो है संख्या में लोग उसको अपनाने लगेंगे। अगर हम वहीं छोड़ देंगे, अनदेखा कर देंगे, तो वो दब जाएगी, एक ही रह जाएगी, उसका जो है विकास फिर नहीं हो पाएगा। माला तो करमे फिरे जी भी फिरे मुख मान, मनवा तो चहूं दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। यहाँ पर कभी जो है क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर में दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों पर जो है कभी क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं कि ये आडंबर दिखावा नहीं होना चाहिए, उनका जो आचरण इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, अगर दिखावा करेंगे तो ये जो है हमारे सच्ची भक्ति नहीं होगा। मुंह में जो है कुछ और रहता है और हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे बस में नहीं रहती हैं, माला फिरते रहते चारों तरफ, दिमाग इधर उधर हमारा दौड़ता रहता है, अस्थिर नहीं रहता है, तो इन आडंबरों पर जो है कभी प्रहार करते हुए कहते हैं कि माला तो सिर्फ जो है एक जीभ फिरती है, बाकी जो है हम हमारे जो इंद्रियां हैं वो और जगह जो है घूमती रहती हैं। वास्तव में हाथ में जो है माला और मुंह में जो जीभ है वो माला फेंकते रहते हैं, पर ये ईश्वर का भक्ति नहीं है, ये क्या है, ये आडंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ आडंबर है, ये हमें सिर्फ चारों दिशाओं में भटका रहा है। हमें जो है अगर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की जो है आराधना करनी है, तो वहाँ जो है अपने ध्यान को केंद्रित करके हमें उनकी भक्ति करना चाहिए, आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए कि चलो मन में कुछ और है, ईश्वर को मान नहीं रहे, लेकिन लोग देख रहे हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, लोग जो है मुझे पुजारी कहेंगे, या मैं जो है यहाँ धर्म स्थल पर जाऊँगा तो लोग मुझे जो है धर्मात्मा कहेंगे, इसलिए ईश्वर की जो आराधना मत करो, उनकी भक्ति करना है तो एकांत में करो, कुछ आडंबर मत करो, बस उनको हमेशा जो है अपने मन में सुमिरन उनका किया करो, उनको हमेशा जो है धन्यवाद दिया करो, उनसे बातें किया करो, लेकिन आडंबर मत करो कि माला फेर रहे हैं और दिमाग में जो है चल रहा है कि कल उसको बताऊंगा, कल उसके साथ जो है मतलब बदला लूंगा, झगड़ा करूंगा, या उससे जो है बेवकूफ़ उसको बनाऊंगा, तो इस तरह के जो है भावना मत रखो, सच्ची भावना रखो। और ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा वही है सच्ची भावना, मानव की जो है पूजा, मानव से प्रेम, प्रकृति में जो है जीव जंतु उनसे प्रेम, यही जो है सच्ची पूजा है। कबीर इसीलिए कह रहे हैं कि माला तो कर्मे फिरे जी फिरे मुखमान, मनवा चहूं दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। मन जो है चारों दिशाओं में हमारा भटकने लगता है, हम माला फेरते रहते हैं लेकिन मन एकाद जो है एकांतर नहीं होता है, तो मन को जो है ध्यान में लगाओ, केंद्रित करो, उस पर जो है संयम बनाओ, उसको नहीं भटकने दो, वही सबसे बड़ी जो है ईश्वर की पूजा है, ठीक है। कभी घास न निंदिए जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में
खरी दुहेली हो। यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं कि एक जो है घास यानी तिनका, तिनके की भी जो है कभी बुराई नहीं करना चाहिए, कभी जो है उसको उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। रास्ते चलते हुए जब हमारे पैरों के नीचे जो तिनका भी आता है उसको भी जो है हमें क्या करना चाहिए, उसको जो भी उसके बारे में भी हमारे मन में कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उसका भी हमें जो है निंदा नहीं करना चाहिए, रोदना नहीं चाहिए, उसका जो है विरोध नहीं करना चाहिए, उसका भी अपना अस्तित्व है। यही तिनका जब हमारे आँखों में उड़ करके पड़ जाता है तो कितना पीड़ा पहुँचा देता है, कितना जो है दुख देता है। इसलिए जो है यहाँ कबीर कह रहे हैं कि मनुष्यों को पैर के नीचे रहने वाला ये तिनका भी अब जो है अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए इसका भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। यही नन्हा तिनका जो है हवा के झोंके से आकर के जब आँखों में हमारे पड़ जाता है तो तुर्ण अत्यंत जो है तुर्ण छोटी सी चीज़ कितना कष्टदायक बन जाता है। जब मनुष्य उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता, जब तक मनुष्य उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक क्या होता है, उसे चैन नहीं मिलता है। यहाँ कबीर इसीलिए कह रहे हैं कि किसी को भी जो है हमें आहत नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सबका जो है हमें सम्मान करना चाहिए, हमें अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो है कबीर यहाँ पर अपनी बातों को जो है यहाँ रखे हैं। जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे दया करे सबको। यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं कि जग में मनुष्य का कोई भी जो है बैरी नहीं होता है, शत्रु नहीं होता। कब नहीं होता? जब हम अपने घमंड को त्याग दें, जब हम जो है सबसे मधुर वाणी जो है बोलने की चेष्टा करें, सबसे मधुर व्यवहार करें, तब जो है कोई भी हमारा यहाँ शत्रु नहीं रहे। जग में बैरी को जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे दया करे सब। ऐसे जीव पर सब जो है दया करते हैं, जो जग में सबके साथ कैसा शालीनता के साथ व्यवहार करते हैं, मीठी वाणी में बात करते हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य जो है यहाँ पर कभी क्या कर रहे हैं कि सभी जो है आदर देते हैं, सभी जो है उनको प्रेम करते हैं, सभी जो है उनकी इज्जत करते हैं। तो हमें जो है हमेशा अपने घमंड को, अपने बल को और अपने जो है अंदर जो है सत्ता का, बल का, घमंड अहंकार जो रहता है उसे त्याग देना चाहिए। उसको अपने मन में कभी भी हमें जो है स्थान नहीं देना चाहिए, हमें उसमें अपने मन में उनको जो है कभी घर नहीं करने देना चाहिए। यहाँ पर घमंड त्याग करके हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के सुख दुख में सहयोगी होना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन पर जो है सभी क्या करते हैं, जान निछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम उसको सब जो है उनके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उनको सब जो है सम्मान और इज्जत प्यार देने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए जो है सबके मन में एक दया की भाव होती है, दया करे सबको, यानी सब जो है उनके ऊपर क्या करते हैं, दया का भाव रखते हैं, सब जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने बैरी नहीं, शत्रु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा कोई शत्रु नहीं होता, ये व्यवहार ही जो है हमारे जो है शत्रु जो है यहाँ पर बनाते हैं। तो हम व्यवहार ऐसा करें कि हमारे जो है किसी से शत्रुता न हो, दुश्मनी न हो, सब के सब हमारे अपने हों, अपने हैं और अपने ही हमेशा रहें। ऐसे भावना के साथ हमें इस जग में रहना चाहिए, इस संसार में रहना चाहिए। जग यानी संसार में कोई हमारा बैरी नहीं है, ये हमारा व्यवहार जो है दूसरों को हमारा क्या बनाता है, दुश्मन या बैरी बनाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब इस पाठ से जितने भी जो है ये कविता को पढ़ करके भावार्थ मैं बताई हूँ, इसको आप एक बार पढ़ करके अच्छे से खुद जो है कोशिश करिएगा इसको लिखने और समझने की। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे जो है इसको पूछ सकते हैं। ठीक है।